आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी हर साल आती है और जन्माष्टमी अब बीत चुकी है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है राधा अष्टमी। जन्माष्टमी का पर्व जो है, आप व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो आपको क्या पता है कि आपका जो जन्माष्टमी का व्रत है संपूर्ण कब माना जाता है? जब आप राधा जी को प्रसन्न करते हैं, यानी राधा जी का जब जन्मोत्सव आता है, आप उनके लिए अगर व्रत रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप भवश्याम के उपासक हैं, भवश्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, क्योंकि अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो भवश्याम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वर देते हैं। तो राधा अष्टमी का जो पर्व है वो हर साल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो राधा अष्टमी इस बार कब लगेगी 2023 में, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि राधा अष्टमी का जो अगर आप व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या फल मिलते हैं, आपको राधा रानी की कैसी कृपा मिलती है, वो सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। साथ ही राधा रानी की किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए राधा अष्टमी वाले दिन, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको राधा रानी की महिमा पता चल सके। अगर आपने राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो समझिए आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण, बाबा श्याम सभी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपका संपूर्ण कल्याण हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं राधा अष्टमी व्रत करने के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, अगर आप राधा अष्टमी का व्रत वगैरह करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप धन धान से वंचित हैं, यानी आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत तो रखना ही चाहिए, ताकि उनकी संपूर्ण व्रत मानी जा सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत किए हैं तो राधा रानी का ये व्रत करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा होती है और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। अगर आप किसी भी आर्थिक परेशानी में हैं तो आपकी आर्थिक परेशानी इस व्रत को करने से, राधा रानी की अगर कृपा हुई तो वो सब समाप्त होने लग जाती है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, अगर आपके पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, अगर पति पत्नी में अनबन बना रहता है, यानी आप जिससे प्रेम करते हैं उसमें अनबन बना रहता है, यानी आपको ये लगता है कि मेरा प्रेम सफल होगा या नहीं होगा, तो अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो राधा रानी की विशेष कृपा होती है। इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो इस व्रत को करते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सुखी होता है और उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो राधा अष्टमी व्रत करना अति आवश्यक हो जाता है। तो श्याम भक्तों, जब से आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं। आप जन्माष्टमी के बारे में आप जानते थे पहले से और नहीं जानते थे तो आपने उनके बारे में सुना है। हालांकि राधा अष्टमी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। हम पहले जब बाबा श्याम को नहीं जानते थे तो हमें नहीं पता होता था कि राधा अष्टमी कब आती है, इस प्रकार से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जानते भी हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब के बारे में नहीं जानते थे। परंतु जब से हम बाबा श्याम से जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक बातें हमें जानने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं। श्याम भक्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से परेशान हैं तो भगवान ही आखिरी सहारा रहते हैं, उन्हीं के भरोसे हमारी ज़िंदगी चलती है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए अपने भाव से कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ये है कि उन पर आस्था और विश्वास बना के रखना होगा। अगर आप चाहेंगे कि 2 दिन में आपके काम बन जाए, आज आपने व्रत रखा, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में काम बन जाए, इस प्रकार की मानसिकता के साथ अगर आप काम करते हैं तो शायद आपके काम ना बने। निस्वार्थ भाव के साथ आपको व्रत रखना है।
राधा रानी, राधा नाम में बहुत अधिक शक्ति है। अगर आप राधा नाम जपते हैं, हर वक्त राधा 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 करते हैं, तो राधा रानी की कृपा बनती है। और जब एक बार राधा रानी की कृपा बन जाती है, तो भगवान की कृपा अपने आप बन जाती है। तो श्याम भक्तों, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी 2023 में कब की पड़ेगी, कब है शुभ तिथि, किस समय आपको पूजा करनी चाहिए। इससे पहले हम इसकी शुभ तिथि जान लेते हैं, राधा अष्टमी की शुभ तिथि कब की है। इसके बाद हम जानेंगे कि राधा अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। जो राधा अष्टमी का जो व्रत होता है, वो हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इस साल यानी कि 2023 में ये जो तिथि है, ये 22 सितंबर 2023 से लग जाएगी। 22 सितंबर 2023 को यानी कि दोपहर 1:35 पर लगेगी, और ये अगले दिन यानी कि 23 सितंबर 2023 को 12:17 तक रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार जो व्रत होगा, राधा अष्टमी का जो व्रत होगा, यानी उनका पर्व मनाया जाएगा, वो 23 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। यानी 23 सितंबर 2023 को आप इनका व्रत रख सकते हैं। जिस प्रकार से जन्माष्टमी के व्रत में जिस प्रकार से निराहार रहकर आपने व्रत किया था, उसी प्रकार से राधा रानी का जो ये व्रत होता है, यानी कि उनका जन्मोत्सव के ऊपर आप व्रत रखते हैं, उसमें आपको निराहार रहकर व्रत रखना है, या आप सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। और अगर आपने सच्चे भाव के साथ, सच्चे मन के साथ इनके व्रत को किया, तो राधा रानी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर बनती है। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी भी रोग से ग्रसित हैं, के ऊपर ये व्रत के लिए ये नियम लागू नहीं होते, अर्थात वो अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप सच्चे मन से, यानी कि आप व्रत नहीं रख सकते, तो सच्चे मन से, श्रद्धा मन से राधा रानी की गुणगान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप उनकी पूजा और सेवा तो कर ही सकते हैं कम से कम। परंतु अगर आप उनके सम्मान के लिए, यानी कि राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए व्रत रखना चाहते हैं, तो राधा रानी के जन्मोत्सव वाले दिन आप फलाहार लेकर उनके व्रत को कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा वगैरह करने के बाद आपका व्रत का जो होता है पारण किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, राधा अष्टमी के दिन किस प्रकार से आपको राधा रानी को प्रसन्न करना है, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी है। तो राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठ जाना है। स्नान इत्यादि कर लेने के बाद आपको अपने पूजा स्थल में जाना है। पूजा स्थल में जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उन सभी भगवान को आपको स्नान इत्यादि कराना है। स्नान इत्यादि कराने से पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है, या मिट्टी का कलश ले सकते हैं, या तांबे का एक पात्र ले सकते हैं, उसमें आप कलश की स्थापना करिए। कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए तो आप सभी को पता ही होगा। कलश की स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है, राधा रानी की जो मूर्ति है, यानी कि जो आपके घर में कृष्ण भगवान और राधा जी की एक साथ तांबे की मूर्ति होगी, उस मूर्ति को आपको एक तांबे के पात्र में रख लेना है। तांबे का जो पात्र होता है, उसमें स्नान इत्यादि कराने के लिए आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत के साथ उन मूर्ति का स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें इत्र वगैरह आप लगा सकते हैं। इत्र वगैरह लगाने के बाद आप उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराइए। एक चौकी लेकर उसके ऊपर आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा रानी का जो आपने स्नान कराया है, उन्हें वस्त्र धारण कराए हैं, उसके बाद उनकी स्थापना उस चौकी के ऊपर कर देनी है। उसके बाद आपको उन्हें भोग प्रसाद वगैरह जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, कोशिश करिए आप अपने घर में ही प्रसाद वगैरह बना लें। जो भी प्रसाद है, जैसे कि मिष्ठान वगैरह है, आप अपने घर में बना सकते हैं। सात्विक होता है, स्वच्छ होता है, और अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को आप भोग अर्पण करिए। राधा रानी को भोग लगाए, आप पुष्प वगैरह राधा रानी को समर्पण करिए। सभी भगवान को वहाँ पर पुष्प वगैरह समर्पण करिए। उसके साथ जो है सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिए और राधा रानी की इस प्रकार से आराधना करें। इसके बाद आपको राधा 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 इस प्रकार से जप करते रहना है, और इस प्रकार से आपको स्थापित करने के बाद, उनको भोग अर्पण करने के बाद, आप उनकी आरती वगैरह जो होती है भगवान की, जैसे कि आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद माता रानी की आरती करते हैं, तो इसी प्रकार की राधा रानी की, या भगवान श्री कृष्ण की, या जो राधा रानी की जो आरती है,
इस प्रकार से उनकी जो आरती होती है वो आरती को आप कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके घर में जो भी बाबा श्याम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनसे आप क्षमा याचना कर सकते हैं, राधा रानी से क्षमा याचना कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हे भगवान, मैं पूजा पाठ करना नहीं जानता हूँ, परंतु जैसा भी मुझसे हुआ मैंने वो किया। आपके जन्मोत्सव पर आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमने आपके लिए व्रत किया, हमारे व्रत में कोई भी अगर हमसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, उन्हें क्षमा करके हमारे ऊपर अपनी कृपा करना और हमारे इस व्रत को सफल करना। इस तरह से उनसे कहते हुए आप राधा रानी से क्षमा मांगते हुए इस प्रकार से आप अपने उस व्रत को प्रारंभ करें, आरती वगैरह कर लें, विशेष वगैरह, और जो प्रसाद वगैरह जो भोग चढ़ाए हैं वो भोग वगैरह वहीं पर चढ़ाकर उसके बाद पूजा पाठ कर लेने के बाद उस भोग को अपने घर में सभी को वितरण कर दें। इस प्रकार से आप राधा रानी की पूजा पाठ कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो राधा अष्टमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब की है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो राधा अष्टमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो कब का होगा, यानी कि राधा अष्टमी के दिन, यानी कि पूरे दिन राधा अष्टमी है, यानी उदया तिथि के अनुसार 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी है, तो उसमें जो है आपको पूजा का शुभ मुहूर्त जो है, विशेषकर राधा रानी की जो पूजा वगैरह होती है वो दोपहर के समय होती है, उसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो 23 सितंबर को 11:01 से लेकर दोपहर के 1:26 तक शुभ मुहूर्त रहेगा राधा रानी की पूजा करने के लिए। यानी राधा अष्टमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राहु काल में पूजा वर्जित है। लोग कहते हैं कि पूरा दिन राधा अष्टमी है तो हम सुबह सुबह पूजा कर लेंगे, हम कभी भी पूजा कर लेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, राहु काल में पूजा वर्जित होती है। अगर आप राहु काल में पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी नहीं लगती है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया था हमें आपने राखी नहीं बांधी होगी, उसी प्रकार से जब राधा अष्टमी आती है तो राधा अष्टमी में क्या होता है, राहु काल को देख लेना चाहिए और राहु काल के समय हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ हमारी नहीं फलती है, नहीं लगती है। राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 9:12 से लेकर सुबह के 10:42 तक राहु काल रहेगा, यानी इस बीच में आपको पूजा नहीं करनी है राधा रानी की। आपको जो पूजा करनी होगी वो 10:42 के बाद से, यानी कि सुबह 10:42 के बाद से ही आपको पूजा करनी है। ये राहु काल का समय रहेगा। तो राधा अष्टमी का जो इस प्रकार से पर्व होता है, थोड़ा वृंदावन और बरसाने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग इस पर्व को मनाते ही मनाते हैं, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो तो सिर्फ जन्माष्टमी और दिवाली, होली, इस तरह के बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, जो उन्हें पता है उन्हीं को मनाते हैं। और आप सभी को पता है राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। राधा जी का जो जन्मोत्सव होता है उसे मनाना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्याम भक्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी के दिन आपको पूजा पाठ जब आप राधा रानी की करते हैं, इनकी जो व्रत कथा है, व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए, राधा नाम को जपना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के नामों को जपना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर अपनी कृपा कर सके। राधा रानी की जो व्रत कथा है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।